नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा शर्मा आज आपको बताने वाली हूँ जिन माताओं को पीरियड के टाइम पे झुंझलाहट रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, अथवा कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीरियड शुरू होने वाला है और 7 दिन पहले से वो जो लेडी है वो इरिटेट हो जाती है। ऐसी इरिटेशन के कारण जो घर में तनाव की स्थिति हो जाती है, पति से संबंध अच्छे नहीं रहते, तो जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है, विधान है कि भाई ऐसी कंडीशन में जब आपका महीना आने वाला है या आ चुका है, उन 3 से 5 दिनों के बीच में आपको एकांतवास करना चाहिए जिससे कि आप मानसिक रूप से शांत रह सकें और अपने जो शरीर के जो फिज़िकल चेंजेस हैं उनको आसानी से पार कर सकें। ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है, जो आज का वर्तमान का टाइम है थोड़ा एक्साइटमेंट भी ज़्यादा रहता है उसको, और इस कंडीशन में पुरुष यदि उससे संबंध बना लेता है तो जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो कम हो जाता है। कम होते ही उसकी फर्दर कभी भी गांठ बनने की संभावना उसकी बच्चेदानी में हो जाती है। जो आजकल दिखाई देता है कि भाई हर तीसरी महिला को फाइब्रॉयड की शिकायत है या पीसीओडी पीसीओएस या फिर गांठ बन रही है, अननोन इटियोलॉजी, जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता है, उसका एक कारण, एक बड़ा कारण यही है कि वो जो परहेज, जो डिस्टेंस बनानी चाहिए अपने पति से, अपने जो उसके साथ रहने वाला जो भी पुरुष है उससे, तो वो नहीं बनाती है और ऐसी कंडीशन में उसको फाइब्रॉइड की संभावना बढ़ जाती है। आगे की और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।